रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री परवीन बॉबी को भी प्यार हुआ था। अपनी इस प्रेम कहानी में परवीन ने सब कुछ खो दिया, खुद की सुध नहीं रही और एक वक्त ऐसा आया जब वो खुद ही नहीं रही। उनका वो घर जहां इश्क इठलाता था, आज वो वीरान पड़ा है। परवीन बॉबी का ये फ्लैट मुंबई में जुहू के रिवेरा बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर स्थित है। समंदर के साहिलों से उठने वाली ताजी हवा जब इस वीरान बिल्डिंग से टकराती है तो मंजर और भी हसीन लगती है। फिर भी ये फ्लैट आज तक वीरान पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो यहाँ अगर कोई रहने की कोशिश भी करता है तो उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। यही वजह है कि कीमत कम होने के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। ये फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है जिसका रेंट तकरीबन 4 लाख के आसपास है। दिलचस्प बात ये है कि परवीन बॉबी के फ्लैट के नेम प्लेट पर अभी भी एक्ट्रेस का नाम लिखा है। दोस्तों, परवीन बॉबी को आज भी उन्हें उनके काम के अलावा महेश भट्ट के साथ रिश्तों की वजह से याद किया जाता है। परवीन बॉबी और महेश भट्ट 1970 के दौरान मिले थे। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें परवीन की मुस्कान बहुत अच्छी लगी थी। महेश भट्ट जब परवीन से मिले तो वो पहले से शादीशुदा थे, जबकि परवीन कबीर बेदी से ब्रेकअप के सदमे से उभर रही थीं। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को प्यार करने से नहीं रोक पाए। परवीन उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी और महेश भट्ट को कोई नहीं जानता था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा था कि जब दोनों साथ होते थे तो स्टारडम के लिए कोई जगह नहीं होती थी। घर पर परवीन एक साधारण लड़की होती थी जो उन्हें पागलों की तरह प्यार करती थी। दोनों के बीच की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और एक दिन वो हुआ जो महेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन महेश भट्ट जब घर पहुंचे तो परवीन शूटिंग के कपड़ों में घर के कोने में चाकू लेकर बैठी हुई थी और कह रही थी कि लोग उन्हें मारना चाहते हैं। परवीन बाबी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। जब परवीन को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने परवीन के इलाज के लिए बिजली का झटका देने की सलाह दी, लेकिन भट्ट नहीं माने। वो परवीन को लेकर बेंगलोर चले गए, लेकिन परवीन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। परवीन सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही थी, जो कि एक गंभीर मानसिक बीमारी है। उन्हें बार बार दिमागी अटैक आने लगे और उनकी फिल्मों की शूटिंग रुकने लगी। दोस्तों, सच्चा प्यार वही होता है जो मुश्किल घड़ी में भी अपने महबूब का दामन नहीं छोड़ते, लेकिन महेश भट्ट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने परवीन बाबी को इस मुश्किल घड़ी में अकेले छोड़कर चले गए। महेश जब घर छोड़कर जाने लगे तो परवीन उनके पीछे दौड़ी। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने तो कोई कपड़े ही नहीं पहने हुए हैं। महेश भट्ट के जाने के बाद परवीन बिल्कुल ही अकेली हो गईं। उनके आखिरी समय में उनके साथ कोई नहीं था। अकेले बंद कमरे में उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दोस्तों, परवीन को कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। जीवन भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रहीं। जितने भी लोग उनके जीवन में आए, सभी लोग सिर्फ जिस्म के भूखे निकले। सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, आप इस खूबसूरत अभिनेत्री की ट्रेजेडिक लाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद।